पहले बागपत में कफन चोर पकड़े गए थे। बाद में पता चला वह बीजेपी वोटर है और अब नया मामला कानपुर से सामने आया है। कानपुर में ब्लैक फंगस के नकली एम्फोनेक्स इंजेक्शन की सप्लाई करने वाला प्रकाश मिश्रा भाजपा नेता निकला। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा में कार्य समिति का सदस्य भी रह चुका है। उसके गिरफ्तार होने के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मंत्रियों के साथ फोटो वायरल हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में प्रधानमंत्री ने प्रकाश मिश्रा को जन्मदिन पर शुभकामनाओं का संदेश भी भेजा था। यही वजह है कि जब पुलिस ने उसको पकड़ा था तो वो नेता मंत्री की धमकी दे रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी थी और कार्रवाई की। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। गवाल टोली से गिरफ्तार किया गया प्रकाश मिश्रा भाजपा में काफी सक्रिय रहा है। पुलिस के मुताबिक जब प्रकाश मिश्रा पकड़ा गया तो उसने रौब जमाने का प्रयास किया था। उसने कहा था कि शहर से लेकर प्रदेश के बड़े नेता मंत्री व कुछ पुलिस अफसर बेहद करीबी तो समझकर कार्रवाई करना। यहाँ पर सबसे पहले यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस बीजेपी नेता को लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का हौसला कहाँ से मिला और बिना सरकार प्रशासन की मिलीभगत से इतना बड़ा नकली इंजेक्शन बेचने का कारोबार कैसे कर रहा था, वह भी ब्लैक फंगस का। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की जांच जारी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।